सो गाइस बाइकोनॉमिक्स पर मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। अभी चित्तौड़गढ़ आने वाला है 10 या 15 किलोमीटर पे, और बूंदी से मैंने एकदम शार्प राइट टर्न लिया है, और क्योंकि रतलाम जाने के लिए स्टेट हाईवे है ये, तो मेन हाईवे जो है वो जैन की तरफ निकल जाता है। तो मैं आपको दिखा दूँ चित्तौड़गढ़ की ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इनका तो वैसे अब साइज़ हाइट जो है वो कम कर दिया गया है, बट आप देखें कि ये पूरा एरिया इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक पूरा सर्कुलर है। और जो मेरी रोड है वो है इस पेड़ के साथ एक रोड जा रही है, आप देखें ऊपर की तरफ जो पहाड़ी पे चढ़ रही है, शायद मैं उंगली गलत पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसके लिए सॉरी, बट मैंने सोचा कि इस एंगल से शायद वो रोड दिख जाए, और फिर उसके बाद पहाड़ियाँ क्योंकि नहीं दिखेंगी, तो ये देखिए पहाड़ियाँ पूरी पीछे तक हैं। और फ्यूल का जो है मेरा 180 किलोमीटर का भी रेंज है, और बहुत लंबा स्ट्रेच था ये, 30 कुछ किलोमीटर का है विदाउट एनी फ्यूल पंप। सो अगर आप इधर से आ रहे हो तो इसको एज सून एज पॉसिबल क्रॉस कर लें, सो स्टे ट्यून्ड। सो व्यूअर्स दिस इज़ अ गिफ्ट, और नीमच आने वाला है 10 किलोमीटर और मैं पहाड़ की काफ़ी ऊंची चोटी पर हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी ऊपर आ जाऊँगा, और ये पहाड़ों को लादता हुआ अब आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ। ये नीचे खेत वगैरह हैं, और सिंस ये ढलान है और स्पीड लिमिट है 20, तो पता नहीं लोगों ने यहाँ पे कभी मेरी बाइक नहीं देखी हुई, तो मैं यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा बाइक को रोकना और वीडियोग्राफी करना। सो बाकी अपडेट्स मैं आप लोगों को बाद में करता हूँ।